सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इसमें बात करूँ आज के सेकंड मैच के बारे में, जो कि फर्स्ट मैच की फुल डिटेल्स वीडियो मैंने बना रखी है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि सेकंड मैच बेंगलुरु बुल्स और पुणे पटेल के बीच होने वाला है। वहीं हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड के मैचेस में बेंगलुरु बुल्स की टीम ने जीता है। वहीं अगर रिसेंट में मैचेस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पिछला मैच बेंगलुरु बुल्स की टीम अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है और पुणे पटेल की टीम भी अपना पिछला मैच यहाँ पर जीत कर आई है, जो कि बड़े मार्जिन से हरियाणा स्टील की टीम को हराया। तो दोनों टीमें अपना पिछला मैच यहाँ पर जीत कर आ रहे हैं और हेड टू हेड के मैचेस में जहां पर बेंगलुरु बुल्स ने जीत पाई थी उसका बदला जरूर लेना चाहेगी आज के मैच में पुणे पटेल की टीम, जो कि बहुत ही जबरदस्त मुकाबला आज होने वाला है। या दूसरा मुकाबला एक तरफ होने वाले हैं भरत हुड्डा तो एक तरफ होने वाले हैं मोहित गोया, तो आज जबरदस्त मुकाबला में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कौन सी टीम इस मैच को जीत पाएगी, क्या स्ट्रेंथ रहने वाली है और क्या स्टार्टिंग सेवन रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग सेवन को ही देखते हैं, जो कि स्टार्टिंग सेवन को देखते हैं जहां पर विकास खंडोला, भरत हुड्डा, नीरज नरवाल, मयूर कदम, महेंद्र सिंह, सौरभ और नंदल, उसके बाद मैं अमन देखने को मिलने वाला है स्टार्टिंग सेवन है, जो कि इनका मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा है, हर प्लेयर के बीच कॉम्बिनेशन अच्छा है और अच्छा कर रहे हैं इनकी डिफेंस और रेडिंग भी, जो कि अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात की जाए जहां पर विकास तो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हर मैच में पाँच चार रेड पॉइंट हासिल कर रहे हैं, तो पिछले मैच में भी पाँच रेड पॉइंट हासिल किए। तो वहीं पर भरत हुड्डा की बात की जाए तो भरत हुड्डा ने 18 रेड पॉइंट हासिल किया था, जो कि इनके मेन रेडर हो चुके हैं। वहीं पर अगर नीरज की बात की जाए, सपोर्ट में चार रेड पॉइंट लाए थे, एक टैकल किए थे। वहीं पर उसके बाद मयूर की बात की जाए तो मयूर कदम भी दो टैकल किए थे, जो कि मयूर कदम हर मैच में अगर टैकल करते हैं तो वह मैच बेंगलुरु बुल्स की टीम जीतती है। वहीं पर महेंद्र की बात करें तो महेंद्र भी यहां पर तीन टैकल करने में सफल रहे थे। उसके बाद सौरभ दो टैकल किए थे और अमन ने भी दो टैकल किया था, जो कि इनके डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आता है हर मैचेस में। अगर इनकी डिफेंस चलती है तो यहाँ पर मैचेस जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इनकी टीम के। वहीं विकास खंडोला तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन नीरज और भरत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग सेवन हमें इस मैच में भी नज़र आने वाली है। वहीं अगर बात करें पुरेडी पटक की स्टार्टिंग सेवन की, तो पुरेडी पटक की तरफ से देख सकते हैं आप असलम, अभिनेश नटराजन, उसके बाद संकेत सावन, मोहित गोयत, आकाश शिंदे और शुभम, यहाँ पर सोमवीर, उसके बाद फजल अत्रचली यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं स्टार्टिंग सेवन में। हालांकि यहाँ पर आकाश सिंधे थर्ड रेडर अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इनको इस मतलब स्टार्टिंग सेवन में रखा गया है। और अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात की है जहां पर असलम ने अच्छा किया था, जो कि 10 रेड पॉइंट इनके नाम थे पिछले मैच में, वहीं पर अभिनेश ने अच्छा किया था, जो कि अभिनेश दो मैचेस से अच्छा कर रहे हैं, जो कि पिछले मैच में चार टैकल लिए थे। उसके बाद संकेत सावन ने भी दो टैकल लिया था और मोहित गोयत की बात की है तो मोहित गोयत भी अच्छा किए थे, 10 रेड पॉइंट करने में सफल रहे थे। तो इनके दो मेन रेडर अच्छा कर रहे थे पिछले मैच में, वहीं पर आकाश सिंधे थर्ड रेडर के तौर पर अच्छा किए हैं। वहीं अगर सोमवीर की बात की जाए तो सोमवीर पिछले मैच में एक टैकल किए थे, हालांकि आकाश सिंधे ने 7 रेड पॉइंट हासिल किया था। वहीं फजल अत्रचली तीन टैकल किए थे, तो यहां पर डिफेंस और रेडिंग दोनों यूनिट अच्छा कर रहा है हर मैचेस में देखने को मिल रहा है। तो आज के मैचेस में अच्छा करे तो यहां पर जीतने के चांसेस रहेंगे पूरे डिपेंडर के। वहीं अगर बात करें कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, जहां पर अगर डिफेंस के मामले में दोनों टीमें एक बराबर हमें नजर आती हैं, हर प्लेयर में कॉम्बिनेशन पूरे डिपेंडर का देखने को मिलता है और बेंगलुरु उसके भी टीम का देखने को मिलता है, तो यहां पर डिफेंस के मामले में दोनों हमें बराबर लगती हैं। हालांकि रेडिंग के मामले में ज़्यादा रेडर्स यहाँ पर पूरे पट की टीम के पास हैं, हालांकि यहाँ पर भरत हुड्डा अच्छा करते हैं तो यहाँ पर तीन रेडर इनके पास भी हैं, तो यहाँ पर रेडिंग और यहाँ पर डिफेंस के मामले में दोनों टीमें मुझे बराबर लगती हैं। हालांकि आपके हिसाब से कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कॉमेंट में जरूर बताइए कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही अगर बात की जाए गेम चेंजर्स आज के मैच में कौन होने वाले हैं, तो आज के मैच में गेम चेंजर्स हमें यहाँ पर भरत हुड्डा नज़र आ सकते हैं, जो कि अभी तक इस सीजन 15 मैचेस खेले हैं और 177 रेड पॉइंट करने में सफल रहे हैं, जो कि इस सीजन दूसरे रेडर हैं, सबसे ज्यादा रेड पॉइंट करने में दूसरे रेडर के स्थान पर हैं भरत हुड्डा। वहीं फैंस ओट की बात की जाए तो फैंस ओट में बेंगलुरु बुल्स को 61% ओट मिले हैं, जो कि पूरे पटेल को 39% ओट मिले हैं। फैंस के हिसाब से यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स की टीम यहाँ इस मैच को जीत पाएगी, हालांकि मेरे हिसाब से अगर डिफेंस और रेडिंग दोनों चला तो यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स की जीतने के चांसेस रहेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी तो कमेंट में जरूर बताइए कि आज का मैच दूसरा मैच कौन सी टीम जीतने वाली है।